finishes off in style. दोस्तों, जैसे जैसे वनडे विश्व कप नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। भारत के पास विशुद्ध ऑलराउंडर के नाम पर सिर्फ दो खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या। भारतीय टीम अगर तीन विशुद्ध तेज गेंदबाजों को लेकर खेलती है तो बल्लेबाजी में मुश्किल में आ सकती है। वहीं अगर एक बल्लेबाज को बढ़ा दें तो संभव है कि हमारी गेंदबाजी कहीं बेअसर ना हो जाए, क्योंकि अभी भारतीय टीम का हाल ऐसा है कि यहां पर कोई भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज पार्ट टाइम बॉलिंग नहीं कर सकता है। शुरुआत में रोहित शर्मा और विराट कोहली बॉलिंग करते थे, लेकिन काफी सालों से ऐसा देखा नहीं गया है। इसलिए निश्चित रूप से इस विश्व कप में भी ये दोनों बॉलिंग नहीं करने वाले हैं। वहीं शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर से भी आप गेंदबाजी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और यहीं पर आकर सारा मामला फंस जाता है। इसी कश्मकश में फंसी टीम इंडिया 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले मैच में अपना प्लेइंग 11 क्या रखती है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंग्लिश न्यूज पोर्टल हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लेजेंड क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया खिलाफ होने वाले पहले मैच के लिए अपना प्लेइंग 11 घोषित किया है। उनके अनुसार इस टीम में ये खिलाड़ी होने चाहिए: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इस टीम में ना तो अश्विन को जगह मिली है और ना ही सूर्य कुमार यादव को। इस टीम के साथ अगर टीम इंडिया चेज करती है तो उनको 7 नंबर के बाद बल्लेबाज नहीं मिलने वाले हैं, और यह काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए यह बात कही जा रही है कि अश्विन को टीम में मौका मिलना चाहिए, जिससे कि टीम के पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी रहे। ऐसे में कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है, लेकिन कुलदीप और अश्विन दो तरह के स्पिनर हैं और ये दोनों टीम की जरूरत बन सकते हैं, वो भी तब जब भारत चेज कर रहा हो और अश्विन नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। लेकिन अगर भारतीय टीम कुलदीप और अश्विन दोनों को प्लेइंग 11 में रखेगी तो संभव है कि शमी और सिराज में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है, और ऐसे में भारत बुमराह के साथ सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज के साथ उतरेगा। हालांकि उस स्थिति में भी हार्दिक पंड्या के रूप में भारत के पास तीसरा पेस अटैक उपलब्ध रहेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि भारतीय टीम 3 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स के साथ उतरे। ऐसे में बॉलिंग वेरिएशन के भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनील गावस्कर के प्लेइंग 11 में फिलहाल सूर्य कुमार यादव की कोई जगह बनती हुई नहीं दिख रही है, और ऐसे में मिडिल ओवर्स की सारी जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के ऊपर आ जाएगी। ये दोनों हालांकि तेज गति से भी रन बनाने में सक्षम है और इनिंग बिल्ड करने की काबिलियत भी रखते हैं। इसके बाद वनडे के लिहाज से सूर्या से बेहतर रिकॉर्ड और अनुभव श्रेयस अय्यर के पास है, तो संभव है कि सूर्या को अभी बेंच पर ही इंतजार करना पड़े। आपके हिसाब से भारतीय टीम को 4 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए या 3 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ? आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, हम जेन्युइनली इस बात को जानना चाहते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बेजोर क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि इस विश्व कप के सभी मैचों के अपडेट्स और किस्से आपको यहीं पर देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।